हक हुकुम की लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। जहानाबाद को पाटलिपुत्र, वैशाली और मुजफ्फरनगर नहीं बनने देंगे, आशुतोष कुमार। देश में लोकसभा चुनाव आगाज हो चुका है। देश भर में सभी सक्रिय हो गए हैं। हर पार्टी इस चुनावी मैदान में अपने पूरे दमखम के साथ आगे बढ़कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं आज बिहार के जहानाबाद में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने भी चुनावी बिगुल फूंका है। पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक आशुतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में भाग लेने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशुतोष कुमार ने कहा कि वे जहानाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने समाज के हक हुकुम की लड़ाई लड़ते आए हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह जहानाबाद में एनडीए गठबंधन ने मेरे समाज को ठगने का काम किया है, उससे क्षेत्र में लोगों के बीच काफी रोष है। जिस तरह बिहार की अन्य सीट जैसे पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज और मोतिहारी से आज हमारे समाज की दावेदारी ही खत्म कर दी गई, उस तरह जहानाबाद को बनने नहीं देंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए आशुतोष कुमार ने कहा कि एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, तब से मेरे पास क्षेत्र के हजारों लोगों ने चुनाव लड़ने को लेकर फोन किया है और तन मन धन से समर्थन करने का वादा किया है। वर्तमान सांसद ने लोगों में काफी नाराजगी है और सामान्य वर्ग के साथ साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के लोग भी काफी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आशुतोष कुमार ने कहा कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जहानाबाद के लोगों की आवाज़ संसद तक पहुँचाएंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए हर स्तर पर काम करेंगे और कल से क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच जाऊंगा। साथ ही जल्द नामांकन की तारीख भी आप सभी के बीच साझा करूंगा। इस दौरान राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश सिंह टुन्ना ने बताया कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आशुतोष कुमार को जहानाबाद चुनाव लड़ने में मदद करेंगे और इन्हें भारी बहुमत से चुनाव जिताकर संसद में भेजेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेनका रमण ने बताया कि आशुतोष कुमार बिहार के युवाओं की आवाज़ हैं, इनकी जीत बिहार के युवाओं की जीत होगी। इस मौके पर सोनू शंकर, गौतम कुमार, कलामुद्दीन, पुष्कर नारायण, वाल्मीकि शर्मा, राहुल विनायक, दीप रंजन सहित सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। सुनिए क्या कहा आशुतोष कुमार ने। गांव से लोगों ने विगत तीन दिनों में कॉल किया और एक ही मांग थी, आप चुनाव उतरे। लेकिन हमारा ये मानना था कि और भी कई ऐसे माननीय हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने इसी प्रकार से जब आजादी के बाद पहली बार हमारी परंपरागत सीट को मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, महाराजगंज बनाने का प्रयास किया गया, हमारा टिकट काटा गया, तो हमने कई लोगों को कॉल किया जो कि यहां पहले से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं हुए। फिर हम मैदान में आए, 70-80 गांव घूमे, काफी बढ़िया माहौल बना। फिर एक अभिभावक चुनाव लड़ने के लिए आए, फिर हम बैक हो गए। हमारा मकसद यही था कि कोई आए चुनाव लड़े, हम उनके साथ खड़े। और इस बार भी तीन दिन पहले यदि आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पर जो चल रहा था कि हमने अपने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि अब एनडीए और यूपीए दोनों ने अपना टिकट फाइनल कर दिया है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, अब आप लोग मैदान में आइए। हमने बात भी की, यहां तक कि हमने सब कुछ कॉल डिटेल स्क्रीन शॉट सब दिखाया। हमने कहा आप जिन क्षेत्र में आइए, चुनावी मैदान में सुनिए, जीत हार की नहीं है, ये इज्जत की बात है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा की बात है, अपने अधिकार की रक्षा की बात है। लेकिन कोई तैयार नहीं हुए। फिर भी हमने कहा कि नहीं, 28 तारीख तक हम लोग वेट करते हैं, 12-1 बजे तक हम लोग इंतजार करेंगे। कोई आए मैदान में कूदे, हम लोग समर्थन करेंगे यदि समाज के लोग कहेंगे। लेकिन अभी जिस समय 2 बजने को है या 2 बज चुका है, वो दिया हुआ समय भी समाप्त हुआ और अब तक किन्हीं भी हमारे माननीय ने यह घोषणा नहीं की है कि हम जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो यदि अब जहानाबाद है, अब तक कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए हैं, तो आज और अभी जहानाबाद के इतनी जनता को साक्षी मानकर मैं वादा करता हूं कि मैं जहानाबाद से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब यदि जब कल से फिर से क्षेत्र में घूमना चालू करेंगे, फिर कोई बाबू आएंगे, फिर कोई भी आएंगे, तो आप लोग वादा कीजिए कि
आप लोग उनको फोन करके उनको कहिएगा कि इस बार आप बैठिए, आपके समाज का बेटा और आपके समाज का भाई चुनाव लड़ रहा है, अपना आशीर्वाद उसको दीजिए। एक चीज है कि आप चुनाव लड़ने का घोषणा अरुण कुमार से भी आपकी बात हुई, क्या उनका तरफ से क्या आश्वासन है? उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, बोला कि यदि आप चुनाव मैदान में आते हैं तो सीधे इधर इधर देखिएगा, हमारा सहयोग रहेगा। हमने कहा कि एक मिनट एक मिनट, हमने कहा था कि लाइन आ रहा, आप चुनाव आए थे, हम चुनावी मैदान से आए हैं, आप जितने बाद से तैयारी कर रहे थे, 70-80 गाँव हम घूम लिए, उसके बाद फिर आप आए, तो हम बैक हो गए, हमने आपको समर्थन दिया, इस बार हम आपके आशीर्वाद देने के लिए आए। जो कैश लग रहे हैं कि अरुण कुमार भी चुनावी मैदान में आने वाले हैं बीएसपी से, कौन आएंगे नहीं आएंगे हमें जानकारी नहीं है, लेकिन कल तक और अभी तक क्योंकि हम तो विगत 4 दिनों से मार्केट ओपन छोड़े हुए, कोई भी आइए और यहाँ से अपनी ताकत आजमाई, लेकिन अब तक तो लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, और हो सकता है कि सब विचार विमर्श करते रह जाए और लास्ट तक कोई उम्मीदवार ना उतरे, समय बहुत कम है, गांव-गांव पहुंचना भी, तो जिनको लड़ना होगा इतना इंतजार क्या करें। ये अंतिम निर्णय है कि चुनाव आप लड़िए, निश्चित रूप से आज प्रेस वार्ता, इसलिए हमने बिल्कुल 4 दिन से हम बिल्कुल इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, ये डालकर पब्लिक के बीच में मैसेज कि आप जिनको आना है आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। क्या मंशा रही है सर जहानाबाद से चुनाव लड़ने का आपका? देखिए मंशा क्लियर है कि जहानाबाद को हम मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र मोतिहारी वैशाली महाराजगंज नहीं बनते, ये हमारी परंपरागत सीटें थी, हमसे छीन ली गई, और ये भी अब जहानाबाद भी 2 टर्म से छीना जा रहा है, तो भाई मेरा जो अधिकार है हमको चाहिए, हम कहीं और दावा ठोकने नहीं जा रहे ना, हम ये नहीं करें हमको नालंदा दे दीजिए, हम ये तो नहीं करें कि हमको खगड़िया दे दीजिए, हम तो ये नहीं करें कि हमको कहीं और दे दीजिए बस जहाँ पर हमारी आबादी नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमारे वोटरों की संख्या अधिक है, जहाँ पर हम चुनाव जीत और हार ये तय करते हैं, और वहाँ पर आप आज़ादी के बाद से पिछली बार से 2019 और 2024 में एक षड्यंत्र के तहत ये सीट भी हमारी आप छीन रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और अब समाज के लोगों ने हमको यहाँ से उतारा है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हजारों लोगों का कॉल और मैसेज आया है कि आप लड़िए, आपके साथ तन मन और धन से हम लोग साथ हैं, और आपको चुनाव जितवाएंगे, और कौन जीतेंगे कौन हारेंगे हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे। वर्तमान सांसद से किन किन मुद्दों को लेकर नाराजगी है आपकी? हमसे ज़्यादा तो हम चूँकि इसी स्थानीय संसदीय क्षेत्र के हम भी हैं, लेकिन आम जनता से यदि पूछेंगे तो आपको ज़्यादा बताएंगे, यहाँ के आम जनता लोग कहते हैं कि हमने तो उनको देखा नहीं कि मूछ वाले हैं कि दाढ़ी वाले हैं, प्रत्यक्ष आंखों से आज तक देखा नहीं कि वो लंबे हैं कि नाटे हैं, गोरे हैं कि काले हैं, मतलब जनता के बीच में कोई मतलब ही नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं है, और हमें तो ताजुब हो रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कि जो 1600 करोड़ रुपए का जो एम्बुलेंस का जो एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट में जो सांसद महोदय का पुत्र है जिनका नाम आया था, तो यही हमारे पगड़ी वाले जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जो अभी उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये विधानसभा में खड़ा होकर और कितना आरोप लगा रहे थे, जलील करा रहे थे कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट सांसद नीतीश जी रखे हुए हैं अपने पार्टी में, और किस मुँह से वो अब इस सांसद के लिए, उस भ्रष्ट सांसद के लिए चुनाव प्रचार में आएंगे और वोट मांगने आएंगे, ये तो तब देखने वाली बात होगी, और हम आप तो मीडिया बंधुओं से अपील करेंगे कि सवाल उनसे जरूर करें कि जिस समय 1600 करोड़ रुपए वाले फर्जी टेंडर का जो आरोप लगा था, बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उसको कैंसिल भी कराया गया, रद्द कराया गया उस टेंडर को, तो उस समय आपको भ्रष्ट नजर आ रहे थे, और आज जब आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो बिल्कुल वो साफ सुथरे हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो आप किस मुँह से जनता के बीच में इनके लिए वोट मांगने आए? तो सबसे बड़ी बात है कि जहानाबाद के लोग अब बाहरी प्रत्याशी, यहाँ दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, दोनों बाहरी हैं, तो क्या जहानाबाद के किसी बेटा में ये हिम्मत नहीं है कि यहाँ का नेतृत्व कर सके, या जहानाबाद के स्थानीय किसी भी बेटे में ये क्षमता नहीं है कि जहानाबाद को लीड कर सके? तो यहाँ के लोगों ने और जात धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर तमाम जाति के लोगों ने, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, हमारे लिए वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, कई ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया है, कोई प्रमुख है, कोई जिला पार्षद है, दूसरे दूसरे समाज के लोग हैं, लेकिन ये दोनों प्रत्याशियों से नाराज़ हैं,
और वो चाहते हैं कि आप तीसरा कोई बढ़िया विकल्प आए और उस विकल्प के रूप में मुझे। तो आशुतोष जी कोई पार्टी का भी समर्थन है या अभी तक आप निर्दलीय हैं? जी हम मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिसका हम संस्थापक भी रहे हैं, तो हम वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात चल रही और हम संभवत है सारी बात हो जाएगी, पार्टी तय करेगी तो हम उसी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है।